सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉसेस होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, वो कितने प्रकार का होता है और उस ऊर्जा के क्षय को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। आज ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में JEE नीट में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना ताकि हमारे पास बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में नीट और JEE के क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस जो या हानि क्षय शरण व्यय कह लो उसको, तो एनर्जी लॉस इन्हें ट्रांसफार्मर, एनर्जी जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर, उसमें ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आदर्श ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जिसमें जो एनर्जी लॉस होता है, ऊर्जा का जो क्षय होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं और उसकी जो दक्षता होती है, इफिशियंसी होती है, वो 100% होती है। इसका मतलब दक्षता 100% का मतलब ये होता है कि उसमें ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है, मतलब ना तो गर्म होगा या ना अन्य किसी प्रकार से कोई भी ऊर्जा या एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें ऊर्जा का क्षय हानि या शरण बिल्कुल नहीं होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। और उसकी जो दक्षता होती 100% होती। दक्षता का मतलब जितना आपने दिया है इनपुट में उतना पूरा आउटपुट में भी मिल जाता है। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति दोनों यदि बराबर होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर ये दोनों यदि बराबर होती है, तो ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होगा। और उस कंडीशन में उसकी जो दक्षता का फार्मूला हमने पढ़ रखा, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, निर्गत आउटपुट पावर वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कहलाती है। और यदि आइडियल लेते थे दोनों बराबर होता है, तो दक्षता को अपन परसेंटेज के रूप में लिखते हैं तो ये 1 हो जाता है और ये आ जाती 100% दक्षता। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी जिसको मीटर से प्रदर्शित करती है 100% होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से ऊर्जा की हानि नहीं होगी, दोनों पावर बराबर होगी, जो हम इनपुट में देते हैं उतनी उतनी आउटपुट में भी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब परंतु व्यवहार में हमारे जो रियल लाइफ में डेली लाइफ में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाना संभव नहीं होता है। जो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है 90% से 99% तक होती है, 100% नहीं होती। आइडियल ट्रांसफार्मर होता ही नहीं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास व्यवहार में जो ट्रांसफार्मर होता है वो 90% से 99% तक की एफिशिएंसी उसकी होती है, 100% नहीं होती। यानी इसमें 10% से लगातार 1% से 10% की एनर्जी लॉस हो सकता है, जो हम दे रहे हैं इनपुट से जो आउटपुट में मिलेगी वो कुछ कम मिलेगी, 1% से लगातार 10% तक की एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लॉसेस होते हैं। तो पहला हमारे पास कॉपर लॉस, ताम्रक्षय क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ कि जो ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियाँ होती है, ये मैंने ट्रांसफार्मर बना रखा, ये जो कॉइल होती है ये तांबे के तार की बनी होती है। ये प्राथमिक कुंडली होती है, इसके सिरों पर जब हम वोल्टेज लगाते हैं। ये द्वितीय कुंडली होती है, इसके सिरों पर हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं। जो लगाते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं, निवेशी बोलते हैं, और जो हम प्राप्त करते हैं वो आउटपुट बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। इधर से हम देते हैं और इधर से हम लेते हैं। तो ये निवेशी सिग्नल हो गया और ये निर्गत सिग्नल हो गया। तो आदर्श में क्या होती है, इसकी पावर और इसकी पावर दोनों बराबर होती है, मतलब किसी प्रकार से कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि जो कुंडली जो बनी होती है तांबे के तार की बनी होती है, जब भी तार लेंगे वायर लेंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो टकराएंगे तार में से, तो वो जिस टकराने से क्या धारा के माध्यम से रुकावट उत्पन्न होगी और वो रुकावट ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। जब हम उसमें धारा प्रोवाइड करते हैं तो चालक तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। कौन सा तार, चालक जो हमने कुंडली ले रखी है तांबे के तार की, उस चालक तार में जब हम धारा प्रोवाइड करेंगे तो वो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि
उस तार का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उस रुकावट के कारण से तार गर्म हो जाता है। कितना गर्म होगा, ये हमने जूल का नियम पढ़ रखा है कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हीटिंग इफेक्ट है, जूल्स का रूल्स होता है कि जब भी किसी चालक में आप करंट प्रवाहित करते हैं और उस चालक का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, तो जिसके कारण से चालक तार गर्म हो जाता है रुकावट के कारण से, और वो ऊष्मा के रूप में हीटिंग इफेक्ट के रूप में हमें को प्राप्त होती ऊर्जा, और उसका फार्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये हमारे पास जूल का जो इफेक्ट होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच क्या है हीट, कितनी हीट निकल रही, गर्म हो रही, वो वाली जो कह सकते लॉस हो रही, वो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा हमने सप्लाई की थी, एसी करंट हमने दिया था उसको कुंडलियों को, तो वो किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो लॉसेस होता है वो हीटिंग लॉस हो जाता है, गर्म हो जाती है, यानी इस ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता जो हीट के रूप में निकल जाती है। इसलिए इस शाही को, इस हानि को, इस लॉस को बोलेंगे कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस किसको कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियाँ होती है वो तांबे के तार की बनी होती है, तांबे के तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, जब इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जूल के नियम से उसमें हीट उत्पन्न होती है। जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते तो गर्म होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसका, प्रतिरोध है, तो गर्म होगा। कितना गर्म होगा, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होगा। ये जो ऊष्मा निकल रही गर्म हो रही है तो इससे क्या हो रहा, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है, हानि हो जाती है। तो इस हानि को, इस क्षय को ही नाम दे दिया है ताम्रहास, कॉपर लॉस। और यदि इसको अपने को कम करना, रिमूव करना या कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम तांबे के तार की मोटी कुंडलियों का उपयोग करते हैं। तो कभी आ जाए कि ताम्रहास को कम कैसे किया जा सकता है, ताम्रहास क्यों होता है, क्योंकि गर्म हो जाता है, यदि गर्म न हो इसके लिए क्या करेंगे, तांबे के मोटे तार का उपयोग करते हैं। मोटे तार का उपयोग करने से क्या होगा कि कुंडलियाँ कम गर्म होती है, कॉपर लॉस कम होता है। तो इसको हम कम करने के उपाय में क्या लिखेंगे, ताम्रहास को कम करने के लिए हम तांबे के मोटे तार का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारे पास में लोहहास, लोहहास आयरन लॉस। जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो क्रोड होती है, क्रोड मतलब पत्तियाँ, ये हमने बना रखी है, क्रोड कहलाती है पत्तियाँ, ये जो बना रखी है चौकोर आयता है, ये पत्ती, ये जो नरम लोहे की जो पत्तियाँ होती है इसको हम क्रोड बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसको क्रोड नाम देते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं किसके बने होते हैं, नरम लोहे के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। और जब इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, एसी करंट प्रवाहित करते हैं, तो इस क्रोड में भंवर धारा एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। हमने पढ़ रखा भंवर धारा का वीडियो बना रखा, वो भंवर धारा क्या करती है कि जो फ्लक्स मान परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण से वो गर्म हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में इसमें भी क्षय होगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के क्रोड किसके बने होते हैं, नम लोहे के बने होते हैं। जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा मतलब इसका मान बदल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, जिसका मान और दिशा दोनों क्या होती, बदलती रहती है। जब इस प्रकार की धारा इस क्रोड में आएगी, इस पत्ती में आएगी, तो क्या होगा, मान बार, उसका जो मान बार बार बदलने के कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। हमने पढ़ा था जब भी फ्लक्स मान परिवर्तन करते तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न होती है, लेंज का नियम हमने पढ़ा था। तो क्या होगा कि जब भी इसमें प्रवाहित करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जिसका मान बदल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर में क्या होगी, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धारा कब उत्पन्न होती है, जबकि मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये भंवर धारा क्या करेगी, इस क्रोड को गर्म कर देगी, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर भी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर जो कुंडली होती है उसमें धारा प्रवाहित करे, वो कुंडली क्रोड से जुड़ी तो क्रोड में भी धारा प्रवाहित होगी, कुंडली गर्म होगी तो ट्रांसफार्मर भी, क्रोड भी गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट उसमें भी आ जाएगा, भंवर धारा उसमें उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण से विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में क्षय हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। और इस हानि को ही, इस क्षय को ही हम क्या कहेंगे, लोहहास या आयरन लॉस कहेंगे इसको। अब इसको यदि कम करना अपने को तो क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं उसको पटलित किया जाता है, लेमिनेटेड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा देते हैं। जैसे एक पत्ती है हमारे पास,
ये दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर उसको क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर लेते हैं, जमा देते हैं, आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, जिससे क्या होगा कि कम गर्म होंगे, कम गर्म होगा तो स्वाभाविक है ऊष्मा का आज लॉस कम होगा। इसलिए कभी आया है कि लो आज को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो लो आज को कम करने के लिए आयरन जो सॉफ्ट जो होता है हमारे पास, आयरन लॉस जो होता है उसको यदि रिमूव करना है, कम करना, हटा तो सकते हैं लेकिन कुछ कम कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उष्मा क्षय को कम किया जा सकता है। किस कैसे करेंगे, तो स्टोर को क्या करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, जमा देंगे, आवश्यक मोटाई का बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक धारा का मान कम हो जाएगा, दैनिक धारा से कम उत्पन्न होगी। तीसरा हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स चरण, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस या मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। क्या होता है कि जब ये प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तो होता क्या है कि इसमें जो फ्लक्स आ रहा, फ्लक्स मतलब बल रहता है, ये जो फ्लक्स आ रहा ये पूरा पूरा द्वितीय कुंडली में नहीं जा पाता। ध्यान रखना क्या कि जब प्राथमिक कुंडली से बच रहे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है पूरा पूरा प्राथमिक कुंडली में जितना फ्लक्स आ रहा, जितना और करंट आ रहा तो उसको हम बोले फ्लक्स, तो वो जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स पूरा पूरा दूसरी कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, मतलब उसके अंदर पूरा पूरा जा नहीं पाता, यानी जो फ्लक्स ये से बल रेखा निकलती है इसके अंदर से जाएगी, ये पूरी पूरी क्या है इसमें नहीं जा पाती, यानी कुछ में कुछ बल रेखा जो होती है फ्लक्स जो होता है वायु में भी क्या होता है लीकेज हो जाता है, वायु में लीकेज हो जाता है, वायु में चले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ हमारे पास फ्लक्स लीकेज हो गया, क्षय हो गया, हानि हो गई, तो इस हानि को हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण किसको कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स आ रहा वो पूरा पूरा फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता, मतलब द्वितीय कुंडली में नहीं जा पाता, जिससे कुछ फ्लक्स का लीकेज होता है, क्षरण हो जाता है, हानि हो जाती है, और इस हानि को ही हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहेंगे। अब इसको कम करना है तो कम करने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को इस प्रकार से बनाते हैं कि जो क्रोड होते हैं उस ट्रांसफार्मर के जो क्रोड के ऊपर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों को एक साथ लपेटते हैं। ऐसे भी ट्रांसफार्मर अपने को बनाना पड़ता है, इसमें अलग अलग बना रखा है, पुराने पैटर्न है, नया पैटर्न में क्या करते हैं इसको कि ट्रांसफार्मर की जो पत्ती होती है, क्रोड होता है, उस क्रोड के ऊपर प्राथमिक कुंडली को भी और द्वितीय कुंडली को भी एक साथ लपेटा जाता है। तांबे के तार जो विद्युत रोधी तार होते हैं उस तार को क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं, तो इस प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स होता है पूरा पूरा किसमें चले जाता है द्वितीय कुंडली में चले जाता है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही लपेटी होती है, तो फ्लक्स लीकेज कम होता है, होता था लेकिन कम होता है इसके कंपेयर, उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते उसको कुछ कम कर सकते हो। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स आ रहा पूरा पूरा द्वितीय कुंडली में नहीं जा पाता, जिससे कुछ फ्लक्स वायु में या एयर में क्या हो जाता है लीकेज हो जाता है, इस फ्लक्स को हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। और यदि इसको कम करना है तो प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटा जाता है, तो ये ध्यान रखना। हमारे पास लास्ट चौथा है क्षैतिज क्षय, हिस्टेसिस लॉस। अब हिस्टेसिस लॉस क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि ये चक्र चलता है इसमें, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव चक्र हमने पढ़ा, प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चलती है, पॉजिटिव निगेटिव इसकी साइकिल चलती है, एक सेकंड में 50 साइकिल हमारे इंडिया में चल जाते हैं, इस तरह से साइकिल चलते हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा जब इसमें से प्रवाहित होगी प्राथमिक कुंडली में से या क्रोड में से, तो क्या क्रोड पॉजिटिव निगेटिव चक्र चलते हैं, ये क्रोड के जो पॉजिटिव निगेटिव चक्र क्या करता है, जो क्रोड होता है ये वाला चक्र उसको चुंबकित कर देता है, मतलब चुंबक बना देता है, और ये निगेटिव चक्र क्या करता है उसको विचुंबकित कर देता है या अचुंबकित कर देता है, मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है डीमैग्नेटाइज हो जाता है। पॉजिटिव चक्र का तो मैग्नेट बन जाएगा और निगेटिव चक्र का तो खत्म हो जाएगा, मैग्नेट का पावर, मैग्नेट का गुण खत्म हो जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जब उसमें प्रोवाइड करते तो पॉजिटिव निगेटिव चक्र के कारण से वो जो आयरन शॉफ्ट क्रोड ले रखा हमने नम लोहे के जो क्रोड ले रखे वो क्या हो जाता है चुंबकित हो जाता, फिर विचुंबकित होगा, फिर चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होगा, तो इस तरह से बार बार चेंज होने से क्या होगा वो गर्म हो जाएगा। क्या होगा जब हम ट्रांसफार्मर के क्रोड में प्रत्यावर्ती धारा प्रोवाइड करते तो जो क्रोड होता है बार बार चुंबकित और विचुंबकित, चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है, मैग्नेटाइज होगा डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है।
इससे बार बार चेंज होने से उसका जो आयरन शाफ्ट कोर ले रखा है वो क्या होगा, उसमें एनर्जी का लॉस होता है और उस एनर्जी लॉस को ही हीटिंग लॉस होगा, ये भी ऊष्मा का क्षय होगा, उसको बोलेंगे हिस्टेरेसिस लॉस या क्षैतिज हानि कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर की क्रोर में जब हम प्रत्यार्थ धारा प्रवाहित करते हैं तो ट्रांसफार्मर के जो क्रोर होते हैं बार बार चुंबकित और विचुंबकित होते रहते हैं, चुंबक बनता है और बिगड़ता रहता है, बनता है बिगड़ता रहता है, जिसके कारण से कुछ न कुछ ऊर्जा का हानि होती है, क्षय होता है और इस हानि को ही नाम दे दिया क्षैतिज हानि या हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। अब इसको यदि कम करना हो, हिस्टेरेसिस लॉस को, क्षय को, तो हम ट्रांसफार्मर के जो क्रोर होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। यदि आ गया क्षैतिज हानि को कम कैसे कर सकते हैं, तो क्षैतिज हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोर को नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नरम लोहे के क्यों बनते बनाते हैं, क्योंकि नरम लोहा होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, वो आसानी से चुंबक बन जाएगा, यानी उसमें लॉस कम होगा, ऊर्जा का हानि कम होगी, आसानी से चुंबक बन भी जाएगा और आसानी चुंबक समाप्त भी हो जाएगा, यानी हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। तो ट्रांसफार्मर के जो हमारे पास में क्षैतिज हानि को यदि कम करना है तो क्रोर हमेशा नरम लोहे के ही बनाए जाते हैं। कभी आ जाए कि ट्रांसफार्मर के क्रोर नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको क्षैतिज हानि को हम आसानी से कम कर सकते हैं, बार बार चुंबकित विचुंबकित आसानी से हो जाएगा, ऊर्जा की हानि कम होगी, इसलिए नरम लोहे के क्रोर हम बनाते हैं, इसके ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। गुंजनशय आखिरी वाला हमारे पास गुंजनशय है। गुंजनशय में क्या होता है कि जब प्रत्यर्थ धारा प्रवाहित करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जब प्रत्यर्थ धारा प्रवाहित की जाती है, हमको पता है कि प्रत्यर्थ धारा का मान बार बार चेंज होता रहता है, जिसके कारण से उसके जो क्रोर होते हैं पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, वाइब्रेट करके कंपन करने लगती है। क्या होता कि जब ट्रांसफार्मर में हम प्रत्यर्थ धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके ट्रांसफार्मर के जो क्रोर होते हैं वो क्रोर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन के कारण से क्या होगा, हमारे पास में भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, उस भिनभिनाहट की आवाज़ के कारण हमिंग होता है, हमिंग साउंड आती है, भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, उस भिनभिनाहट की आवाज़ के कारण से क्या होता है कि हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखी, विद्युत ऊर्जा दे रखी है, वो साउंड एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कुछ उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार का जो लॉस होता है उसको नाम देते हैं हमिंग लॉस या गुंजन कहते हैं, इसको हम ध्यान रखना। अब ट्रांसफार्मर के जो उपयोग होते हैं हमने पढ़ रखे कि ट्रांसफार्मर का उपयोग सभी जगह होता है, एलिमिनेटर में होता है, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में होता है, रेडियो में होता है, टीवी में होता है, कूलर में होता है और साथ में रेफ्रिजरेटर में होता है, मोटर में भी होता है, नाइट लैंप में भी होता है, वेल्डिंग कार्य में इसका हम उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जहाँ पर भी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।